पर इस मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही श्रद्धेय आदरणीय खड़गे जी को आप लोगों को सुनना है, और इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि वो उस पीढ़ी से आते हैं जहां पर सिद्धांतों और आदर्शों की लड़ाई और आदर्शों सिद्धांतों के ऊपर चला जाता था। महात्मा गांधी से और नेहरू जी से प्रभावित होकर खड़गे जी ने अपनी राजनीति शुरू करी थी। आजादी की लड़ाई का हिस्सा उन्होंने देखा है, और इसलिए हम लोगों को गर्व है आज हम सब कांग्रेस जनों को कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी हैं। ऐसे खड़गे जी का सब लोग सम्मान करें, हमारे आदरणीय खड़गे जी का। शैलजा जी बैठी हुई हैं, शैलजा जी हरियाणा की हैं, हरियाणा के बारे में हम लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो हिम्मत और साहस और जोश उनमें रहता है, हरियाणा के लोगों में वैसे ही जोश और खरोश से भरी हुई हमारी शैलजा जी हैं, और उनके नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से निश्चित रूप से यहां पर परचम फैलाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। यह आप लोगों के आशीर्वाद से भी होगा। यहां पर उपस्थित हमारे धनेन्द्र साहू जी, शिव डेहरिया जी, सभी ऑब्जर्वर्स यहां पर सभी आए हुए, सभी शिव डेहरिया जी, पारा चोपड़ा जी, चंद्राकर जी, सभी यहां पर उपस्थित सभी मंच पर आशीष आदरणीय जन, अत्यधिक खुशी की बात है कि आज यहां अबनपुर में नया पारा में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और आप लोगों के बीच में मौका मिल रहा है। राजिम और नया पारा में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक नदी का, एक महानदी का फर्क है, बाकी हम दोनों एक ही हैं, नया पारा और राजिम के लोग, कोई फर्क नहीं है। सदैव से श्याम भैया के समय से नया पारा और राजिम का बहुत आत्मीय और प्रेम का संबंध रहा, अबनपुर का प्रेम का संबंध रहा। धनेन्द्र साहू जी यहां से हरदम खड़े होते रहे, वहां से आप लोगों का आशीर्वाद मुझे राजिम से मिलता रहा, और निश्चित रूप से आज बहुत विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सब बातें बोल दी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको अभी शैलजा जी को, खड़गे जी को, सबको सुनना है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा इस मन से कि जो आदर्श और सिद्धांत से हम लोग चले हैं, ये जो भाजपा की पार्टी है, ये सिर्फ मिठलबरा पार्टी है, ये कर और कोई काम नहीं, सिर्फ वायदा करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को बरगलाना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे लोगों से वोट लेना, यही इनका सिद्धांत और आदर्श है। और वह बातें बोलना जो होती नहीं है। अभी हमारे महान प्रधानमंत्री आए थे, मोदी जी बोलते हैं कि ये सरकार तो बड़ी बहुत ज्यादा यहां पर, इसमें तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भाई, आपने इतने महीनों, इतने साल तक आपको मौका मिला, आपकी पूरी की पूरी सरकारी एजेंसियां पीछे पड़ी रही, उसके बाद भी एक भी चीज को आप सिद्ध कर पाए क्या, मैं पूछना चाहता हूं। तो ये लोग सिर्फ जो है झूठी बातें करना, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करना, जो सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, और निश्चित रूप से जितनी भी बातें बताई हैं भूपेश भाई ने, उससे आपको ये एहसास होता है क्योंकि वो उन सिद्धांतों पर चलते हैं जो हमारे पुराने लोग चलते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, और अब राहुल जी जो सिद्धांतों पर चल रहे हैं, गांधी जी के सिद्धांतों पर उसी पर भूपेश भाई चलते हैं, श्याम भैया भी उसी पर चलते थे। हम लोग धर्म, जाति और समाज के नाम पर राजनीति नहीं करते, बल्कि विकास की राजनीति करते हैं कि विकास करेंगे किसी भी जगह, और वही सिद्धांत, वो आदेश लेकर हमारे भूपेश भाई चलते हैं। उन्होंने इसी विकास की बात को पकड़ा और सब लोगों का विकास करने का प्रण लिया, और उसी के प्रण लेके उनने सब, जितने भी, चाहे हमारे गरीब भाई हों, चाहे हमारे किसान हों, चाहे मजदूर भाई हों, किसान मजदूर हों, चाहे महिला हो, इतनी योजनाएं जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी योजनाएं जिसकी कोई सीमा नहीं है उनने जो है बताई, और सबकी सब योजनाएं जो है निश्चित रूप से पूरी करी जाएंगी। मैं आपको आज इस मन से आश्वस्त करता हूं इस बात पर, एक बार जमकर आप लोग कक्का जिंदा है उसका नारा लगाएं, भूपेश भैया, भूपेश भैया।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ल जी। निश्चित ही पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी हम सबके जननायक, जननेता, युग पुरुष थे। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। इसके बाद हमारी शैलजा दीदी के निर्देशानुसार बहुत ही संचित में ताड़ी दीदी आप आशीर्वाद लेवे जनता जनार्दन से। आदरणीय ताड़ी चंद्रकर जी। बोले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, शैलजा दीदी जिंदाबाद। आज